पानी ना स्टार्ट कर। तेजी से। ठीक नहीं सर। तो दोस्तों पहले हम इसको जो स्टार्ट नहीं हो रहा इसमें, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका जो तेल की सप्लाई है इसमें क्या है ना कि अभी पानी चला गया था ऊपर से नीचे बारिश वाला, सो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं तेल की सप्लाई, क्योंकि इस तेल की सप्लाई जो है मेरे हिसाब से नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अभी अपने देख हाथ लगा के पता चल जाता है कि आ रहा है कि नहीं। सो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आ रहा है कि नहीं, फिर जैसा भी घुमा भाई तो इसे हैंडल लगा। तो आप देख सकते हैं जो तेल की सप्लाई है ये नहीं आ रही बिल्कुल भी, तेल की सप्लाई नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा पंप में कोई मसला होगा स्टार्ट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सी आपको इसमें जानकारी सीखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस इंजन में। सो दोस्तों क्या होता है, बहुत इंजन जब हम 4-5 महीने इंजन खड़ा कर देते हैं सो ऐसी बहुत सी समस्याएँ अपने आप हो जाती हैं, जैसे जाम हो जाना और बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से खोल लेता हूँ इसको नली को, और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर। दस हो गया बंद। नली में तो तेल फुल है, बिल्कुल फुल है, पर हम देखेंगे कि तेल जो है पंप तक क्यों नहीं जा रहा। तो चलिए मैं पहले ये खोलता हूँ फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें तेल नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तेल भरा है, देखते हैं मैं इस अब आगे इस वाली को खोलूँगा फिर इस वाली को, फिर पता चलेगा कि क्या कौन सी नली जाम हो चुकी है। तो दोस्तों इसमें तेल नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तेल भरा है, देखते हैं मैं इस अब आगे इस वाली को खोलूँगा फिर इस वाली को, फिर पता चलेगा कि क्या कौन सी नली जाम हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं हम नली इस नली को जो है फूंक मार देंगे, जिससे क्या होता है ना कभी कभी फिल्टर जो है अटक जाता है। सो मैंने जैसे ही फूंक मारी तो इसका जो दोस्तों तेल था, इसमें तेल नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तेल भरा है, देखते हैं मैं इसमें अटक गया था। आगे इस वाली को खोलूंगा फिर इस वाली को, फिर पता चलेगा कि क्या कौन सी नली जाम हो चुकी है। क्या होता है कि जो फिल्टर होते हैं वो जाम हो जाते हैं जब 2-4 महीने इंजन खड़ा रहता है, सो फिल्टर जो है बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, यानी यूँ समझो कि जाम हो जाता है वो, फिर तेल की सप्लाई जो है बंद हो जाती है। जो इसका तेल है दोस्तों ये आने लगा है, मैंने फूंक दिया था तो आने लगा है। अब इसके बाद दोस्तों मैं इसको नली को लगाता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि पंप में कोई दिक्कत आती है कि नहीं, और देखते हैं। बहुत सी दिक्कतें आई हैं दोस्तों इसमें, और बहुत सी अब आपको न्यू जानकारी सीखने को मिलेगी। सो मैं इसको टाइट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जो एयर है वो मैंने नली लगाने के बाद एयर जो है निकाल लिया है यहाँ से, ये देखिए तेल आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इसके बाद मैं इसको टाइट करता हूँ फिर आगे देखते हैं कि तेल पंप उठा रहा है नहीं, तो फिर पंप खोलेंगे। अरे कुछ नहीं इंजन दाबे रहा, स्टार्ट कर भाई, का इंजन पकड़ रहा है, भाग है ना, हाँ कैसे रखा नहीं है ना अभी कुछ। कर 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 आज दाबे रहा फिर इंजन। कर कर आजी वो कहा है ना कि वो थोड़ी पानी चला गया है ना।
मोबाइल थोड़ी सी डीजल वो है एयर क्लीनर में डाल देंगे देखा ताबिर है। हाँ तो रनिंग लगे मार इसमें जो एयर है ये फंस चुका था। हालांकि मैंने पहले जो आपने देखा होगा पीछे वीडियो करके देखी तो जो यहाँ से है ये बबल्स यानी जो मतलब हवा जैसे यानी हवा निकल रही थी यानी गुब्बारे जैसा तेल निकलता है ना सो उसी के चलते जो है वो तेल फिर अटक जाता है। एयर निकालने के बाद भी कभी कभी जो एयर है वो अटक जाता है तो फिर हमें निकालना पड़ता है। तो मैंने एयर निकाला है और इसके बाद हमने नोज़ल तक तेल फिर पहुँचाया है और क्या किया है कि नोज़ल को थोड़ा सा ढीला कर लिया है जिससे पंप में थोड़ा सा लोड कम पड़े। तो पंप में अगर ज़्यादा ख़राब होता है तो नोज़ल को थोड़ा सा ढीला करने से जो पंप में लोड है वो कम हो जाता है तो नोज़ल तेल देने लगता है। और क्या होता है कभी कभी नोज़ल जाम भी होता है तो ढीला करने से खुल भी जाता है। तो हम स्टार्ट करके देखते हैं दोस्तों इसमें एयर फिर से फंस चुका है फिर से हमें एयर निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट तो हो रहा है पर स्टार्ट होने के बाद बंद हो गया है तो एयर फिर से निकालना पड़ेगा। तो जब इंजन हम बहुत दिन बाद स्टार्ट करते हैं तो हम एयर तो निकाल देते हैं एयर निकल जाता है पर अगर इंजन स्टार्ट हो जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होने के बाद क्या होता है कि इंजन बंद हो जाता है तो उसमें एयर फंस जाता है। एयर को हम निकाल भी देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो फिल्टर होता है फिल्टर बहुत सूखा होने के कारण फिल्टर जो है एयर बनाने लगता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो जो पंप में है लोड ज़्यादा पड़ता है तो जो एयर है वो पंप में आके अटक जाता है तो स्टार्ट होने के बाद जो इंजन है वो बंद हो जाता है अपने आप। सो स्टार्ट होने के बाद इंजन अगर अब बंद हो रहा है तो आप एक बार एयर ज़रूर चेक कर लिए कि क्योंकि क्या होता है कि जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं जब थोड़ा सा मतलब बंद हो जाता है जब और थोड़ा सा रनिंग लेने के बाद जो है तेल नोज़ल जो फिर से साउंड देने लगता है। सो यही आपको चीज़ चेक करनी है यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिक्कत दे देती हैं। सो दोस्तों ये इंजन बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको और दिखा देता हूँ पानी भी हम इसको उठवाने वाले हैं इसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।